नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 11 चैप्टर नंबर 3। इस सेशन के पहले हमने दो क्वेश्चन देखे हैं। पहला, बैंक का अर्थ और उसके कार्य। दूसरा, बैंक खातों के प्रकार। अब हम देखेंगे बैंक की सेवाएं। बैंक की सेवाओं में फर्स्ट पॉइंट दिया है ड्राफ्ट इश्यू करना। तो जो ड्राफ्ट अर्थात किसी एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक ड्राफ्ट में व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है और व्यक्ति को रकम भुगतान का आदेश दिया जाता है। ग्राहक के पास से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होने के बाद ही बैंक ड्राफ्ट में व्यक्ति को रकम भुगतान का विश्वास दिया जाता है, जिसे हम कहेंगे ड्राफ्ट इश्यू करना। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, बैंकर्स चेक। बच्चों, बैंक ड्राफ्ट जैसी विविध सेवाएं देता है, जिसमें से एक बैंकर्स चेक है। बैंक स्वीकार की गई रकम के बदले मैं जो चेक देता है उसे पे ऑर्डर कहते हैं। बैंक द्वारा इश्यू किया गया पे ऑर्डर उसी शहर या गांव में बुनाया जा सकता है, अन्य शहर या गांव में नहीं बुनाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं बैंकर्स चेक। अब इसका फोर्थ पॉइंट है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसे हम कहते हैं RTGS। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बच्चों, RTGS सदस्य बैंक से भारत देश की किसी भी RTGS सदस्यता प्राप्त बैंक में धन के स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को RTGS कहते हैं। RTGS सदस्यता प्राप्त सभी बैंक शाखाओं की पहचान IFC कोड से होती है, जो ग्राहक डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक स्वरूप में होता है। IFC कोड IDRBT इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद द्वारा आवंटित किया जाता है। RTGS पद्धति में भारत की एक बैंक के खातेदार की रकम भारत के किसी भी बैंक के खातेदार के खाते में जमा की जा सकती है। इस धनराशि का नगद व्यवहार नहीं किया जाता है, इसलिए ग्राहक और लाभार्थी दोनों का बैंक में खाता होना आवश्यक होता है, जिसे हम कहेंगे RTGS। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसे हम कहते हैं NEFT। NEFT सदस्यता प्राप्त बैंकों से फंड भारत देश की अन्य NEFT सदस्यता प्राप्त बैंक में स्थानांतरण करने की पद्धति को NEFT कहते हैं। RTGS की तरह यह भी धन भुगतान का एक प्रकार है। यह व्यवस्था भी ऑनलाइन की जाती है, इसके लिए IFC कोड दिया जाता है। इस व्यवहार में फंड ट्रांसफ़र की रकम की कोई सीमा नहीं है। इस व्यवहार में अधिक से अधिक 2,00,000 हस्तांतरण करने की प्रक्रिया बैच के अनुसार होती है। RBI द्वारा प्रति घंटे की बैच में इन व्यवहारों का निपटारा होता है। इस व्यवहार में जमा रकम मिलने की प्रक्रिया उसी दिन से लेकर 48 घंटे के अंदर होती है।
यहाँ लेन देन DNS डिफरेंट नेट सेटलमेंट पद्धति से वेब वाइज होता है। IFC कोड NFT सदस्य द्वारा सभी बैंक शाखाओं की पहचान IFC कोड से होती है, जो 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक स्वरूप में होता है। इस पद्धति में धनराशि भेजने वाले ग्राहक से कमीशन लिया जाता है, परंतु इनवर्ड NEFT अर्थात द्रव्य प्राप्तकर्ता लाभार्थी से किसी प्रकार का कमीशन नहीं लिया जाता, जिसे हम कहेंगे NEFT। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5, बैंक ओवरड्राफ्ट। व्यापारियों का बैंक में चालू खाता होता है। चालू खाता में जमा धनराशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा दी जाती है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे कैश क्रेडिट CC। व्यापारी को धंधा के उद्देश्य तथा विकास के लिए धंधे के माल स्टॉक और वसूली के आधार पर ऋण दिया जाता है। इस प्रकार की ऋण व्यवस्था में माल स्टॉक बैंक का बंधक रहता है। धंधा की इकाई जितने प्रमाण में जितने समय के लिए इस धनराशि का उपयोग करती है, उतने ही प्रमाण में निश्चित दर से ब्याज चुकाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं CC कैश क्रेडिट। अब लास्ट है लोन। बैंक का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। बैंक कम दर पर जमा राशि स्वीकार करती है और ऊंची दर पर ऋण देती है। बैंक व्यापारी को अलग अलग प्रकार के ऋण देती है। इस प्रकार बैंक व्यापारी या ग्राहक को विविध आवश्यकताओं की पूर्ण करने के लिए ऋण देती है, जैसे मकान खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, मकान रिपेयरिंग करना, वाहन खरीदना या धंधे के विकास के लिए। यह ऋण दीर्घ समय का हो और पूरी रकम का एक साथ ही दी जाती है, उसे हम कहते हैं लोन। तो बच्चों, आज हमने देखे बैंक की सेवाएं। नमस्कार।